हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल चेन्नई व्लॉगर चित्रा। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ कुछ लिपस्टिक्स जो मैंने ऑर्डर किए हैं नायका से। तो ये है कलर पॉप्स का मैट लिपस्टिक, इसका नंबर है R35। ये है ब्राउनिश रेड इन कलर और मैं इसको एक बार आपको लगा के दिखा देती हूँ। बहुत ही सॉफ्ट है, ईजी फ्लो है और कलर भी देखिए रेडिश ब्राउनिश रेड है। बहुत ही सॉफ्ट चल रहा है स्टिक और अफोर्ड कर सकते हैं क्योंकि ये मुझे पड़ा था 91 रुपीज़ का। नेक्स्ट मैंने ऑर्डर किया है ब्लू हेवन का एक लिपस्टिक, क्रेयॉन लिपस्टिक। ये मुझे पड़ा था 101 रुपीज़ का कुछ। इसको आप देख सकते हैं क्रेयॉन है तो स्टिक जैसा है। ओपन कर लीजिए इसको एक बार। इसका भी मैं आपको स्वैश करके दिखा दूँगी। ये भी रेड कलर में है पर दोनों रेड में बहुत ज़्यादा डिफरेंस था। एक चेरी रेड कलर का था, ये देखिए। इजी टू अप्लाई है क्योंकि क्रेयॉन होने के कारण से। नेक्स्ट है एक सेम एलेटिन का कलर पॉप लिपस्टिक, इसका नंबर है R31 और ये है पिंक कलर। मुझे ये कलर बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, इतना प्यारा कलर लग रहा था। और जब लगाऊंगी मैं इसको, हमने ट्राई किया है इसको, तो कलर बहुत ही निखर के ऐसा उभर के आ रहा है। नेक्स्ट मैंने ऑर्डर किया था लैक्मे का आईलाइनर, लिक्विड आईलाइनर। मेरे पास पेंसिल आईलाइनर और जो पेन लाइनर आईलाइनर होता है वो है, पर मुझे लिक्विड वाला चाहिए था। तो ये लिक्विड आईलाइनर है और मैंने जब इसको यूज़ किया तो देखा इसका कलर बहुत ही अच्छा जेड ब्लैक कलर है और इससे मतलब जो कर्व्स है वो भी बहुत अच्छे से बन रहे थे। तो ये प्रोडक्ट भी मुझे 95 रुपीज़ का कुछ पड़ा है। ईजी टू यूज़ है। तो ये चार आइटम्स मैंने, और एक आइटम ऑर्डर किया था पर अभी वो आया नहीं है। इसके स्वैशेज देख लीजिए, मुझे पिंक कलर सबसे बेस्ट लगा। और मेरे आगे वीडियोस में आप देख सकते हैं ये कलर्स मैंने यूज़ किया हुआ है। अगर आपको भी बाई करना है तो आप नायका पे जाके बाई कर सकते हैं क्योंकि अभी उसमें सेल चल रही है लिपस्टिक्स, आई शेडोज, लैशेस सभी पर। नंबर एक बार और बता देती हूँ, जो पिंक वाला है उसका नंबर है R31 और जो रेड कलर का है उसका नंबर है R35। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, अभी हो रही है शाम और शाम के बज रहे हैं 5:37। मैंने टी कॉफ़ी नहीं किया है क्योंकि मुझे आदत नहीं है टी कॉफ़ी की। मैं मॉर्निंग में सिर्फ ग्लास दूध पीती हूँ और वो भी मैं प्लेन दूध नहीं पी सकती। मुझे कंपल्सरी उसमें मॉर्निंग चाहिए होता है। रोहित सो रही है, रोहित का मालिश हो गया है शाम का और रोहित सो रही है अभी। मैंने जो कपड़े धोए थे कल वो अभी मुझे फोल्ड करना है, तो मैंने सोचा थोड़ी देर टीवी लगा लेती हूँ और टीवी देखते देखते थोड़े कपड़े फोल्ड कर लूँ तो मुझे जल्दी मेरे कपड़े जल्दी जल्दी फोल्ड हो जाएंगे। मैं अभी देख रही हूँ TLC चैनल जिसमें आ रहा है किड्स बेकिंग चैम्पियनशिप। मुझे TLC देखना, History TV 18 देखना, Fire TV 18 देखना, नेशनल ज्योग्राफी हो गया, डिस्कवरी, ये चैनल देखना बहुत पसंद है। हमारे यहाँ शायद कोई भी सीरियल्स नहीं देखता है, ना मेरी मम्मी देखती है सीरियल, ना मैं देखती हूँ। हाँ, मेरे हस्बैंड कोई कुछ कुछ तमिल सीरियल्स देखते हैं पर मैं कोई भी टीवी सीरियल्स नहीं देखती हूँ। मुझे रियलिटी शोज़ देखना पसंद है। मैं बिग बॉस देखती हूँ, हिंदी और तेलुगु दोनों में भी बिग बॉस देखती हूँ, एज़ वेल एज़ इंडियन आइडल हो गया। ऐसे जो कोई भी रियलिटी शोज़ आते हैं तो मैं वही देखती हूँ। और तेलुगु में भी मैं ज़्यादा से ज़्यादा मूवीज़ ही देखती हूँ या फिर ज़बरदस्त करके एक कॉमेडी शो आता है वो देखती हूँ। अगर मुझे टीवी पे देखने के लिए इतना टाइम नहीं मिलता है तो फिर मैं मोबाइल में ही देख लेती हूँ या फिर उसका ट्रेलर ही देख लेती हूँ, पर मैं कभी भी सीरियल्स नहीं देखती। तो इसलिए मेरे हस्बैंड बोलते हैं, तो अब तो सारा कुछ TV चैनल्स जो है वो महंगे हो गए हैं, तो मेरे यहाँ Tata Sky है। मुझे हिंदी और तेलुगु दोनों भी देखना है, तो दोनों का रिचार्ज करते तक हमारा कुछ 400 क्रॉस हो जाता है पर मंथ। तो मेरे हस्बैंड बोलते हैं, तो 400 का रिचार्ज करती है पर कोई भी TV सीरियल्स या कुछ भी नहीं देखती, फिर भी मंथली का 400 रुपीज़ का रिचार्ज करती है। तो सैटरडे संडे बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स आते हैं TV में और
मूवीज़ आते हैं तो मैं वो देख लेती हूँ, पर सीरियल पता नहीं, मुझे पसंद नहीं है। स्टार्टिंग में जब मैं मेरे घर के साथ बाहर रहती थी तो मैं कुछ सीरियल्स देखती थी, जैसे अब तो उस नाम भी याद नहीं है, अब तो उसे नाम भी याद नहीं है उन सीरियल्स के, पर मैं देख लेती थी। मेरी बहन के साथ कैसे दो तीन दिन अगर वो लगा कर देख वो लगा के देखती है तो फिर थोड़ा इंटरेस्ट आ जाता है, तो देखती हूँ, लेकिन मैं टाइम निकाल कोई सीरियल से। तो अभी मैं कर रही हूँ कपड़े फोल्ड, मैंने इवनिंग स्नैक बर्न हमारे नीकू का फेवरेट उसके लिए लेकर बैठी थी खाने के लिए, बस सोचा कि जो भी उठ जाए उससे पहले मैं अपने कपड़े फोल्ड कर लूँ, तो ठीक है फ्रेंड। और मैंने अभी तक लंच भी नहीं बनाया, लंच तो बना लिया सॉरी, डिनर भी नहीं बनाया है, लेकिन लंच में जो मैंने रात को बनाया था वो मेरे पास रखा हुआ है, तो मैं सोच रही हूँ कि उसके साथ रोटी बना ली तो अच्छा रहेगा, पर मुझे राजमा चावल और उसमें घी डाल के खाऊँगी, इतना यम्मी लगता है और मुझे वो बहुत ही पसंद है। तो देखते हैं अभी कि रोटी बनाऊँ या चावल बनाऊँ। नाइट में चावल अभी तो चल जाता है क्योंकि मुर्गी कैसे फीड करती है, उनको फीड करना पड़ता है मुझे, तो मुझे बार बार भूख भी लगती है, तो देखते। और मेरी सर्दी अभी कम नहीं हुई है तो मेरी आवाज़ थोड़ी अलग आएगी, मैंने मेडिसिन ज़्यादा लिए नहीं है सर्दी के लिए क्योंकि उन्हीं को अफेक्ट होगा उससे फीडिंग के कारण, तो देखते हैं और कितने दिन लगता है मेरी सर्दी को ठीक होने में। तो ठीक है फ्रेंड्स, फिर मैं मिलती हूँ, ओके बाय फ्रेंड्स। अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ पनीर बटर मसाला का रेसिपी, जिसके लिए पहले ग्रेवी बनाना पड़ता है। तो मैंने एक कढ़ाई चढ़ा लिया है, उसमें थोड़ा तेल डाल लिया है, तेल जैसे थोड़ा गर्म हो गया है मैंने इसमें कटे हुए टमाटर डाल लिए हैं, इसको थोड़ा मिला लीजिए। नेक्स्ट हम इसमें डालेंगे ड्राई चिल्लीज, अब हम इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट और थोड़ा इसको मिला लेंगे ताकि अदरक लहसुन का पेस्ट पूरे इसमें अच्छे तरीके से मिल जाए। नेक्स्ट अब हम इसमें डालेंगे कैशूज काजू और इसको अच्छे से चला लेंगे ताकि सब इंग्रेडिएंट्स एक लेक में अच्छे तरीके से मिल जाए। फ्रेंड्स टमाटर बहुत अच्छे तरीके से पक गया है, अब मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी। सुबह मॉर्निंग मैंने कैमरा ऑन करना भूल गया था, मैंने कढ़ाई में थोड़ा बटर ले लिया है, उसमें जो प्यूरे था वो डालकर अब उसको मैं अच्छे तरीके से पका ले रही हूँ ताकि जो कच्चा स्मेल, वैसे तो पूरा टमाटर पक गया था तो आप देख सकते हैं टमाटर अभी थोड़ा थिक हो गया है। अब मैंने उसमें ऐड किया है रेड चिल्ली पाउडर, मैंने कश्मीरी चिल्ली ऐड किया है क्योंकि कश्मीरी चिल्ली ज़्यादा तीखा नहीं होता है। मैंने उसमें अब ऐड किया है फ्राइड पनीर, एक्चुअल में तो कच्चा पनीर ऐड करते हैं पर मुझे कच्चा पनीर उतना पसंद नहीं है। नेक्स्ट मैंने थोड़ा नमक ऐड कर दिया है, उसको पका लिया है, थोड़ा सा शक्कर गरम मसाला ऐड कर लिया है और मिला लिया है, थोड़ी देर उसको ढक्कन लगा के पकाया है। तो अब देखिए पनीर बटर मसाला रेडी हो गया है, अपनी कंसिस्टेंसी में भी आ गया है। आप चाहिए तो इस समय में उसमें क्रीम मिला सकते हैं। मैंने उस दिन लंच में खाया था पनीर बटर मसाला विद चपाती। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल और बेल बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें।